मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नगर निगम का सम्मेलन फिर विवादों में गिर गया है। दरअसल यहाँ पे महापौर माधुरी पटेल ने सम्मेलन बुलाया था, बजट प्रस्तुत करना था जिसमें कई सारी योजनाओं पर काम था। ये सम्मेलन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चला, जिसके बाद अध्यक्ष अनीता अमर यादव ने इसको स्थगित कर दिया, क्योंकि महिलाएं भी थी यहाँ पे, महिलाएं बच्चों के साथ थी, तो इनको इनके आराम को देखते हुए शाम को 6 बजे स्थगित कर दिया। उसको 5 तारीख की डेट दी गई, लेकिन उसके बाद यहाँ से कांग्रेसी पार्षद सब चले गए, लेकिन भाजपा ने यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में आसंदी पर दो पार्षदों को बैठा था, जिसमें विनोद पाटिल थे और संभाजी सगरे थे। इनको बिठा के उन्होंने पूरी कार्रवाई पूरी कर ली, बजट प्रस्तुत कर दिया और शहर का जो टैक्स है, पानी का जो टैक्स है, 50 रुपए से बढ़ा के 200 रुपए कर दिया, संपत्ति कर 25% में बढ़ोतरी की गई। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस आक्रोशित हो गई है, कांग्रेस आक्रोश के मूड में है और यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंची थी और कलेक्ट्रेट में उन्होंने कलेक्टर भव्या मित्तल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने FIR दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि ये जो नगर निगम का एक्ट है उसका उल्लंघन हुआ है और अध्यक्ष की मौजूदगी में, अध्यक्ष के होते हुए यहाँ पे डमी अध्यक्ष को बैठाया गया था, जिसके बाद बवाल हो गया है। अब ये FIR की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद ये इंदौर संभाग आयुक्त से भी मिलने की बात कर रहे हैं। बहरहाल आपको सुनिए क्या कहा अनीता अमर यादव ने, क्या कहा अजय रघुवंशी ने, क्या कहा उबेश शेख ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिलेगी। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। पालिका अधिनियम की धारा 31 और 36 में अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वो मीटिंग को स्थगित कर दे और उसकी स्थगित मीटिंग को संचालित करने का अधिकार किसी भी कमिश्नर को, महापौर को नहीं है। अब जब धारा 33(3) का ये हवाला देते हैं, वो धारा 33(3) रेगुलर मीटिंग के लिए है, उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है, स्थगित मीटिंग के लिए धारा 33(3) नहीं लागू होती। ये जस्ट उसी लाइक का मामला हो गया कि इन्होंने एक अपराध किया है। अपराध क्या किया कि निर्वाचित अध्यक्ष को अपने घर भेज दिया स्थगित मीटिंग होने के बाद, और एक ऐसा अपनी मनमर्जी का अध्यक्ष बैठा दिया, झूठा अध्यक्ष। तो ये छल, कपट और धोखा की श्रेणी के अंदर आता है, जो धारा 318 और 319 BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा लगेगी। इन पे आपराधिक केस बनेगा, केस रजिस्टर्ड होगा और इनको कोई भी बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ये ऐसा अपराध है जो कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये अपराध बनेगा सर्वप्रथम कमिश्नर जो नगर निगम के हैं, जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी थे जिन्होंने मीटिंग को संचालित किया, जो आसंदी पर बैठे थे विनोद पाटिल और संभाजी सगरे, उन पर बनेगा, प्लस महापौर के साथ में जो विधायक प्रतिनिधि थे वो, और जो पार्षद दल के लोग वहां मौजूद थे जो मीटिंग को संचालित कर रहे थे। तो वो जो अध्यक्ष बैठा हुआ था वो निर्वाचित तो नहीं था, वो झूठा अध्यक्ष था। तो झूठा अध्यक्ष बनाकर झूठी मीटिंग संचालित करना, ये क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, यही हमने अपने ज्ञापन में लिखा हुआ है और इसकी FIR हम थाने में भी देने के लिए जा रहे हैं। कलेक्टर मैडम को देने आए थे, जो कल परिषद की मीटिंग में 11 बजे से हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई, मीटिंग अच्छी तरह से चली, 6 बजे तक मीटिंग चली, उसके बाद में 5:30 बजे तक मीटिंग चली, उसके बाद में बजट पर बात हुई। बजट पर बात होने के बाद में 10 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था, 10 मिनट बाद मीटिंग से मतलब ब्रेक लेकर गई थी, उसके बाद आकर उनकी बातें सुनी। 10-15 मिनट बातें सुनने के बाद में ही मैंने अपनी उनको बोली कि समय को देखते हुए टाइम ज्यादा हो गया, सभी महिला थी और महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे होने के कारण और परेशान हो गए थे, तो मैंने अपनी तरफ से मीटिंग स्थगित करके 5 नवंबर की तारीख तय कर चुकी थी। फिर उसके बाद में उन्होंने किसी वरिष्ठ पार्षद को आसन पर बिठा के गैर कानूनी काम करे है और आसन का अपमान भी किया उन्होंने। क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई उन पर, जो कठोर कार्रवाई हो सके वो होना चाहिए, क्योंकि ये गलत काम किए उन्होंने। सम्मान्य कलेक्टर मैडम को हम लोगों ने बुरहानपुर के 25 पार्षद साथियों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। कल चूंकि बुरहानपुर का नगर पालिक निगम के लिए काला अध्याय के रूप में है कि कल जब परिषद की मीटिंग सुबह 11 से शाम में 6 बजे तक चलती रही और सभी महिला पार्षदों द्वारा और बाकी सभी पार्षदों द्वारा ये अध्यक्ष महोदय से कहा गया कि आप अब मीटिंग को स्थगित करें क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो सभी की बात को लेकर बहुमत के आधार पर अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग को स्थगित किया 5 नवंबर तक, और उसके बाद असंवैधानिक रूप से कूट रचित रचना रचकर महापौर जी ने और सम्माननीय कमिश्नर महोदय ने बुरहानपुर की जनता के साथ खिलवाड़ तो किया ही किया, बाकी आसंदी का अपमान किया और बुरहानपुर परिषद का भी अपमान किया। आज
जो उनका कूटरचित रचना रची उन्होंने बुरहानपुर की जनता के साथ में, जो उन्होंने आज भेदभाव किया है। कल परिषद में उनको इस बात की पूर्ण संज्ञान था कि बजट में बुरहानपुर नगर निगम में हमारे कांग्रेस पार्षद दल किसी भी कीमत पर इनका 50 रुपए का जो पानी का टैक्स था इसको हम 200 रुपए कतई नहीं होने देते, क्योंकि आप सब भली भांति परिचित है कि पानी के बुरहानपुर में क्या बदतर से बदतर स्थितियां हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने जनता का खिलवाड़ किया, जो असंवैधानिक रूप से मीटिंग बुलाकर जो 200 रुपए पानी का टैक्स किया है और संपत्ति कर पर 25% कल टैक्स बढ़ाया, तो ये बुरहानपुर की जनता को जो इन्होंने धोखा दिया है और जो बुरहानपुर की जनता और परिषद को इन्होंने परिषद का जो अपमान किया है, तो ऐसे व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई होकर जो कल असंवैधानिक मीटिंग इन्होंने बुलाई उस मीटिंग की बात को तुरंत रद्द करें और उन पर FIR दर्ज कर कि भविष्य में बुरहानपुर नगर निगम का काला अध्याय और कोई दोबारा नहीं कर पाए। इसलिए हमने आज कलेक्टर मैडम से निवेदन किया है सभी ने मिलकर, और हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारी बात को सम्माननीय कलेक्टर मैडम, क्योंकि कानून जो संविधान का, और कल ये स्पष्ट भी हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कानून को, अधिनियम को, संविधान को नहीं मानती, उनका जो चरित्र है वो कल भाजपा के महापौर ने ये करके दिखा दिया। अभी जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने कहा लिखा है कि जो भी व्यक्ति वहां बैठे थे उन पर आप FIR दर्ज करके आसंदी के अपमान का उनका जो अपमान किया है उस पर कार्रवाई। क्या 420 के तहत कार्रवाई? 420 319 कूट रचित रचना रचने में जो जो शामिल है, चाहे महापौर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जो बैठे हुए हो, ये जो कूट रचित रचना रची है और जो 420 बुरहानपुर के शहर की जनता के साथ साथ परिषद के साथ की है, तो उन पर कार्रवाई करेगा। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।